कीजिए मुख्तियार पेट केयर चैनल को साथ में दबाएं बेल आइकॉन डॉग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समर बड़ैच आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पॉटी ट्रेनिंग के बारे में कि अगर आप घर में एक पपी या डॉग रख रहे हैं तो उसे कैसे ट्रेन करें। पॉटी ट्रेनिंग के बारे में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ में आप हमारे चैनल के गिव अवे स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। पॉटी ट्रेनिंग एक सीरियस इशू है क्योंकि जब भी डॉग आप रखते हैं तो वो घर में पॉटी करता है, तो ये एक बैड हैबिट है आपके डॉग की, जो कोई भी नहीं चाहता कि ये बैड हैबिट किसी के डॉग में भी हो। तो दोस्तों, आज हम आपको पॉटी ट्रेनिंग के कुछ टिप्स बताएंगे। सो उन्हीं टिप्स में से जो सबसे पहला टिप्स है वो है स्टार्ट दी पॉटी ट्रेनिंग दी फास्ट डे, मतलब पॉटी ट्रेनिंग का पहला दिन। आप जब भी अपने डॉग को बाहर लेके जाते हैं 45 डेज के बाद, तो एक जगह निश्चित कीजिए जहाँ आप अपने डॉग को घुमाएंगे, यहाँ वो पॉटी करेगा। तो हर रोज़ आप उसी जगह में लेके जाएं उसे, ताकि ये उसकी हैबिट बन जाए। एंड सेकंड है द सीक्रेट ऑफ इज़ इन द शेड्यूल। इसमें सीक्रेट क्या है कि आप अपने डॉग को कोई भी कमांड देंगे, मींस आप उसे वहाँ पे छोड़ेंगे जब वो पॉटी करेगा, तो आप उसे ट्रीट देंगे। कोई भी ट्रीट दे सकते हैं, कोई बिस्किट दे सकते हैं, डॉग फूड में कोई डॉग बिस्किट दे सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, कोई स्वीट्स हो सकता है। मींस आप उसे कोई भी ट्रीट दें जिससे उसे लगे कि ये एक गुड हैबिट है, सो ये गुड हैबिट उसमें बनी रहे। थर्ड है यूज कमांड लाइक गो पॉटी। आप अपने डॉग को कमांड दीजिए गो पॉटी की, मींस जब भी वो पॉटी करने के लिए तैयार हो तो आप उसे गो पॉटी की कमांड दीजिए। उसे लगे कि ऐसा कहने पे मुझे पॉटी करनी चाहिए, ये उसकी एक हैबिट बन जाए। और उसके बाद आप उसको एक प्राइज दीजिए कि गुड डॉग, आप उसे सहलाइए जिससे उसे लगे कि ये एक गुड हैबिट है जो उसमें बनी रहे। तो दोस्तों, फोर्थ है यूज द सेम पाथ एवरी सिंगल टाइम। आप उसे जब भी बाहर लेके जाएं उसका एक टाइम निश्चित करें, मींस आज आप उसे 5 बजे बाहर घुमाने लेके जाते हैं तो कल भी उसे 5 बजे ही लेके जाएं, सुबह 9 बजे लेके जाते हैं तो कल भी सुबह 9 बजे ही लेके जाएं, मींस उसमें एक आदत बन जाए कि ये मेरा पॉटी टाइम है। सो फिफ्थ है फीड यूर पपी एट द सेम टाइम एवरी डे। आप अपने पपी को खाना देते हैं, जैसे आज आप अपने पपी को 9 बजे खिलाते हैं, फिर 2 बजे खिलाते हैं, फिर 5 बजे खिलाते हैं, तो कल भी आप इन्हीं टाइम पे खिलाइए और परसों भी आप इसी टाइम पे उसे खाना दीजिए, जिसमें उससे एक गुड हैबिट बिल्ड होगी, उसको अपने खाने का जो टाइम है उसका पता लगेगा। सेंड टेक यूर पपी आउटसाइड फ्रिक्वेंटली। जब भी आप अपने डॉग को खाना देते हैं उसके तुरंत बाद आप उसे बाहर घुमाने लेके जाएं, मींस खाना खाने के बाद डॉग को आप बाहर लेके जाएं 15 मिनट to 45 मिनट्स के बीच में, उसे बाहर लेके जाएं वो पॉटी करे। क्योंकि अगर वो एक बार अंदर करने लगा तो ये उसकी बैड हैबिट बन जाएगी कि वो अंदर ही करेगा, सो घर में ही करने लगेगा, तो आप उसे तुरंत बाहर लेके जाएं। डोंट एंग्री विद पपी। आप अपने पपी के साथ कभी भी एंग्री ना हो, आप उसे कभी भी उसके साथ मिसबिहेव मत करें, बिकॉज अगर आप उसको डांटोगे तो ये वो आपसे डरने लग जाएगा, आपके साथ बाहर नहीं जाएगा घूमने, और वो घर में ही पॉटी करने लगेगा। इस तरह से उसमें एक बैड हैबिट बिल्ड होगी जो आपके लिए शायद काफ़ी बुरी होगी, आपको इसमें कुछ भी अच्छा ना लगे। तो दोस्तों, पॉटी ट्रेनिंग में ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। फास्ट है फास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग एंड सीक्रेट ऑफ शेड्यूल, यूज कमांड, यूज द सेम पाथ, फीड एट द सेम टाइम, आप उसे उसी टाइम खाना दें, और अपने डॉग के साथ कभी भी गुस्सा ना होए, उसे कभी भी मिसबिहेव मत करें, उसे डांटे ना, ताकि वो आपसे डरने ना लगे, वो आपके साथ घूमने फिरने जाए। अगर आप उसके साथ गुस्सा होगे तो वो आपसे डरने लगेगा और आपके साथ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये है पॉटी ट्रेनिंग के कुछ टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। अगर आपके मन में कोई भी
कमेंट है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी डॉग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मुख्तियार पेट केयर को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं या आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर लीडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ से आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।